सोलन में HFCL उद्योग के पूर्व कर्मचारियों ने श्रम अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस मौके पर श्रम अधिकारी और इंस्पेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कर्मचारियों ने रोष प्रकट किया और श्रम अधिकारी कार्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और कहा कि अधिकारी द्वारा उनके अधिकारों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है और कानून ताक पर रखकर उन्हें उद्योग से भी बिना नोटिस के निकाल दिया गया है, जिस पर जिला प्रशासन और अधिकारी खामोश हैं। कर्मचारियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि वे पिछले 2 दशकों से उद्योग में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन जब उनके यूनियन के पदाधिकारियों को बगैर वजह उद्योग से निकाला गया तो सभी कर्मचारियों ने उनका विरोध करना चाहा, तो 100 कर्मचारियों को बिना नोटिस के उद्योग से निकाल दिया गया, जिसके कारण करीबन 100 कर्मचारी एक ही दिन में सड़क पर आ गए। अब उन्हें घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। विधवा महिला कर्मचारी ने बताया कि उन्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है, जिसकी वजह से उनका गुजर बसर बेहद मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों ने कहा कि वे आज श्रम अधिकारी का घेराव करने आए थे, लेकिन उन्हें जैसे ही इस बात का पता चला वे यहां से चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रम अधिकारी कर्मचारियों के हितों को अनदेखा कर रहा है और उन्हें संदेह है कि वे उद्योग प्रबंधन के साथ मिल चुके हैं। उन्होंने कहा कि एक साथ 100 कर्मचारियों को बिना नोटिस के निकाला गया है, जिस पर जिला प्रशासन और श्रम अधिकारी खामोश हैं। उन्होंने बताया कि वे मुख्यमंत्री हिमाचल को भी इस बारे में शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित होने के करीब 3 साल बाद भी धर्मशाला स्मार्ट नहीं बन पाया है। आलम यह है कि स्मार्ट परियोजनाएं अब भी फाइलों में ही धूल फांक रही हैं। 2106 करोड़ की राशि से शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाना है, लेकिन अब तक महज 20 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। हैरानी की बात यह है कि इस राशि में भी केवल छोटे छोटे से ही कार्य हो पाए हैं। स्मार्ट सिटी को केंद्र से 186 करोड़ रुपए की राशि पहले किस्त के रूप में मिली थी, जबकि 10% राशि प्रदेश सरकार से मिली। कुल 220 करोड़ की राशि में से अब तक 20 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। मई 2016 को धर्मशाला स्मार्ट सिटी की अधिसूचना जारी हुई थी, लेकिन 4.5 साल बीतने के बाद भी स्मार्ट परियोजनाएं के शुरू न होने से शहरवासी भी हैरान है। स्मार्ट सिटी के तहत 32 स्मार्ट परियोजनाएं के तहत विकास कार्य होने हैं। गौरतलब रहे कि शीतकालीन प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं स्मार्ट रोड समेत अन्य शिलान्यास तो किए, लेकिन ये अब तक अधर में लटके हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत धर्मशाला शहर को विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए से तैयार होने वाले 3 परियोजनाओं का काम लट गया है। गौरतलब रहे कि पिछले 3 महीनों से इन परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया हो रही है, लेकिन कोई ठेकेदार नहीं मिल रहा है। तीनों परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना 92 वर्षा सेल का बनाने का है, जिस पर लगभग 9 करोड़ की राशि व्यय होने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 5.5 करोड़ की लागत से धर्मशाला शहर में अत्याधुनिक पार्क विकसित होना प्रस्तावित है और साथ ही पर्यटकों के लिए 3.5 करोड़ की राशि बाइक शेयरिंग परियोजना के लिए भी टेंडर प्रक्रिया की तारीख आगे बढ़ाई गई है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी के निदेशक एवं नगर निगम के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 3 टेंडर लगाए थे, लेकिन इन तीनों परियोजनाओं में एक ही कंपनी की इंक्वायरी आई थी, इसके कारण टेंडर प्रक्रिया को बढ़ा दिया है। निदेशक ने कहा कि उन्होंने इन परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया के लिए विज्ञापन भी किया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लें और जैसे ही ठेकेदार मिलेंगे उसके आगे ही प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। स्थानीय निवासियों का कहना है कि धर्मशाला तो कहने को ही स्मार्ट सिटी है, यहाँ सुविधाएं ही नहीं है। स्मार्ट सिटी की बस शालिकाओं और पार्कों की बड़ी बुरी हालत है। उनका कहना है कि बच्चों को खेलने के लिए कोई उचित व्यवस्था भी नहीं है।
सोलन पुलिस लगातार नशे को जड़ से उखाड़ने का प्रयास कर रही है और इस लक्ष्य को पाने के लिए पुलिस चिट्टे का काला कारोबार करने वालों को सलाखों के पीछे भेज रही है। आज भी सोलन में दो युवाओं को अलग अलग स्थानों पर चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नशा तस्करी में 18 से 24 वर्ष के युवा शामिल हैं, जो खुद तो इस नशे की गिरफ्त में हैं और साथ में वे और युवाओं को भी इस दलदल में धकेल रहे हैं। यही वजह है कि सोलन में चिट्टे का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। अब सोलन पुलिस जल्द मास्टर प्लान तैयार करेगी ताकि युवाओं को इस नशे की दलदल में गिरने से बचाया जा सके। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि आज दोहरी द्वाल पर आनी के युवक विकास सागर से 10.94 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। वही एक युवक जतन शर्मा गांव पथरागढ़ तहसील अर्की से भी 9.70 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है और जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इनके पास चिट्टे की खेप कहाँ से आई।